सो वी कैन ड्राइव सिंपल स्टेप बाय विच वी कैन अचीव इंसर्शन सॉर्ट. तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप वन क्या है, इफ इट इज द फर्स्ट एलिमेंट, जैसे कि हमें फर्स्ट एलिमेंट क्या मिला था ऊपर वाले जो सॉर्टेड एरे के अंदर 14, इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड रिटर्न वन. अगर पहला एलिमेंट हमें मिले तो हमें रिटर्न क्या करना है, वन, तो वो तो ऑलरेडी क्या कर रहा है कि सॉर्टेड है, क्योंकि अभी तक तो हमने उसको कंपेयर किया ही नहीं. पिक नेक्स्ट एलिमेंट, अब हमारे पास क्या है कि हम नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे, कंपेयर विद ऑल एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट. तो जो हमें नेक्स्ट एलिमेंट मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सब लिस्ट है उसके अंदर सब लिस्ट में हमारे पास जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं हम उन सारे एलिमेंट्स के साथ उस न्यू एलिमेंट को कंपेयर करेंगे. अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड. अभी कह रहे हैं कि शिफ्ट करेंगे हम किसको, ऑल द एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड सब लिस्ट दैट इज ग्रेटर देन द वैल्यू टू बी सॉर्टेड. तो जो अभी वैल्यू हमें हम जो सॉर्ट करने के लिए जा रहे हैं, अगर तो हमारे पास सब लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम मौजूद हैं वो ग्रेटर हैं, बड़े हैं उस वैल्यू से जो कि अभी हमें सॉर्ट करनी है, वो वैल्यू जो हमें इसके इस सब लिस्ट के अंदर ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या है हमारे पास कि हम सारे आइटम को स्वैप करेंगे उसके साथ जितने भी उससे बड़े हैं, इंसर्ट द वैल्यू. फिर उसके बाद जो लोकेशन हमें फाइंड हुई है जहाँ पे वो वैल्यू हमें ऐड करनी है उसको हम वहाँ पर ऐड कर देंगे. रिपीट अनटिल लिस्ट इज सॉर्टेड. हम कब तक ये काम करते रहेंगे, जब तक कि हमारी लिस्ट जो है वो सॉर्ट नहीं हो जाती. अच्छा, उसके बाद हमारे पास सूडो कोड में क्या है, तो मैं थोड़ा सा क्लोज कर लेता हूं ताकि हमें इसको कंप्लीट करने में आसानी हो. अच्छा, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रोसीजर है इंसर्शन सॉर्ट का. ये इंसर्शन सॉर्ट के एक फंक्शन है, इसको हम दो वैल्यू पास, इसको हम एरे पास करते हैं. ए एक एरे है, एरे ऑफ आइटम्स, इसको हम पास करते हैं और ये हमें सॉर्ट करके दे देता है इनटू होल पोजीशन. एक हमने वेरिएबल बनाया है इनटू होल पोजीशन, एक हमने वेरिएबल बनाया है इनटू वैल्यू टू इंसर्ट. ठीक है, फॉर आई इज इक्वल टू वन टू लेंथ ए इंक्लूसिव डू, यानी कि कह रहा है कि फोर का एक लूप हमने चलाया, आई पहली वैल्यू जो है उसकी वन से स्टार्ट हो रही है टू द लेंथ ऑफ एरे, एरे ए. ये बता रहा है कि ये जो एरे ए है इसकी जितनी भी लेंथ है यहाँ तक इसको चलाना है. ठीक है, उसके बाद है सेलेक्ट वैल्यू टू बी इंसर्टेड. यहाँ पे हम इसकी ना लेंथ, ये जो लेंथ ए का मतलब ये है कि हम इसकी लेंथ मालूम करेंगे. हमें नहीं पता कि हमारे पास जो गिवन एरे है उसकी लेंथ क्या है. तो जो फोर का लूप है वो कहाँ तक चलेगा, जो उसकी लेंथ है, एरे की लेंथ तक चलेगा. ठीक है, अभी ऊपर जैसे हमने देखा था कि हमारे एरे की लेंथ कितनी थी, एट थी, इसमें एट एलिमेंट थे. अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या, वैल्यू टू इंसर्ट. तो वैल्यू टू इंसर्ट के वेरिएबल के अंदर ये क्या करेगा, ए आई, ए आई क्या है इस वक्त हमारे पास, जो पहली वैल्यू है क्योंकि वन नंबर आइटम जो हमारे पास. दूसरा हम क्या करेंगे, होल पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, ए आई की वैल्यू, आई क्या हमारे पास वन है. इन वैल्यू टू इंसर्ट जो हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है वो वैल्यू हम उठाएंगे ए आई से, और आई के हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि वन, तो हम होल पोजीशन के अंदर क्या करेंगे, वन लिख देंगे. मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हमारे पास पहली पोजीशन 14 है और यहाँ पे आई पे क्या हमारे पास वन. ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास वन से स्टार्ट हो रहा है. ऊपर देखें फोर का लूप हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है. अच्छा, अभी कह रहे हैं लोकेट होल पोजीशन फॉर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड. अब ये होल की पोजीशन हमें, होल पोजीशन हमें फाइंड करनी है जहाँ पे हमें इस वैल्यू को इंसर्ट करना है. अभी कह रहे हैं व्हाइल होल पोजीशन इज ग्रेटर देन जीरो एंड ए होल पोजीशन माइनस वन इज ग्रेटर देन वैल्यू टू इंसर्ट, तो तब तक डू क्या करो. सबसे पहले कह रहे हैं होल पोजीशन, होल पोजीशन क्या है हमारे पास, वन है, वन जो है जीरो से बड़ी है, एंड दोनों चीजें और नहीं है, एंड लगा हुआ है बीच में, एंड ए होल पोजीशन, होल पोजीशन क्या है, वन माइनस वन तो जीरो हो गया, इज ग्रेटर देन वैल्यू टू बी इंसर्ट.
और जब तक वैल्यू जो इंसर्ट होती है वो बड़ी है किससे, जीरो से, यानी कि जीरो लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू है ना, ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है, ये इस जगह पे ये बता रहा है, ये जीरो वैल्यू, जीरो इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है ना उससे जब तक बड़ी है, वो जब तक बड़ी है इससे, तो क्या करो, ए होल पोजीशन, होल पोजीशन क्या है हमारे पास इस वक्त, वन, तो वन और ए होल पोजीशन जीरो, ठीक है, यानी कि जीरोथ के ऊपर इंडेक्स के ऊपर एरे के और जो वन इंडेक्स के ऊपर जो पड़ी हुई है उसको उसके इक्वल कर दो, और होल पोजीशन को क्या करो, असाइन कर दो, यानी कि और होल पोजीशन इज इक्वल टू होल पोजीशन माइनस वन। तो जो होल पोजीशन थी हमारी इस वक्त क्या थी, वन थी, और यहाँ वन, वन माइनस वन यहाँ पे कितना हो गया, जीरो। एंड वाइल अभी कह रहा है कि अ होल पोजीशन कितनी है, वन, अब तो खैर यहाँ पे होल पोजीशन जीरो हो चुकी है, और वैल्यू टू इंसर्ट, और जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, 14, उसको हमने कहाँ इंसर्ट कर दिया, जीरो के ऊपर, यानी कि एरे इंडेक्स के सबसे पहले एलिमेंट के पहली वैल्यू के ऊपर हमने उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एंड प्रोसीजर हो गया। इसी तरह से सेम ये पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है ये रन होता रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो सूडो कोड में हम जब लिख रहे होते हैं तो सूडो कोड देखें आसान है समझने के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए भी, डेवलपर के लिए भी, और एक आम ह्यूमन के लिए भी, ताकि वो दोनों आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट, चलो सिलेक्शन सॉर्ट की वीडियो नहीं पड़ी हुई, एक मिनट, सिलेक्शन सॉर्ट सिलेक्शन सॉर्ट की हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा आप लोगों को वीडियोस नजर आ रही हैं जो मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर नजर आ रही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नजर आ रही तो काइंडली आप बता सकते हैं, ताकि चैट में मुझे लिख कर दे दें, मुझे अंदाजा हो जाए कि ये वीडियो जो मैं रन कर रहा हूँ ये आपको नजर आ रही है कि नहीं, जो हम इसके इनसाइड जो है वो आपके लेक्चर के बीच में हम जो वीडियो रन कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो आपने देखा कि वो वीडियो रन होने के बाद उसको समझाने में, क्योंकि उसमें कुछ एनिमेशन थी, एनिमेशन इन माय व्यूज जो है वो एनिमेशन बड़ी जबरदस्त चीज है जिसके थ्रू आप जो है वो चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है इसको करते हैं कुछ, एक मिनट, ठीक है अभी इसको ये मैं निकाली है इसमें से,
ठीक है, वीडियो से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ होगा कि वो एक सिलेक्ट कर रहा है, किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, फिर उससे उसको उसके साथ जो है ना वो बाकी एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें सिलेक्शन सॉर्ट, मैंने शेयर कर दी। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। दिस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज एन इन प्लेस कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम इन विच द लिस्ट इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। देखें, ये भी बड़ा आसान एल्गोरिदम है, सिलेक्शन भी, और दूसरा इन प्लेस है। इन प्लेस से मुराद क्या आपकी, ये एक्स्ट्रा स्पेस इसको रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, जो गिवन स्पेस है आपकी, उसी के अंदर ये जो है वो अपना काम कर लेता है। इन प्लेस आपको याद होगा जिसमें हम ये था कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास जो एरे मौजूद है, उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स जो एलिमेंट जितनी हमने ऑक्यूपाई की हुई है जगह उस एरे ने, हम उसके अंदर ही उसको जो है वो सॉर्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवाइड करता है टू पार्ट्स के अंदर। ठीक है, द सॉर्टेड पार्ट एट द लेफ्ट एंड एंड द अनसॉर्टेड पार्ट एट द राइट एंड। तो आपको याद होगा इंसर्शन सॉर्ट के अंदर भी हमारे पास तकरीबन कुछ ऐसा ही था कि हमारे पास जो लोअर एरे थी उसको हम क्या करते, सब लिस्ट के अंदर उसको हम डिवाइड कर रहे थे और एक सब सब एरे लिस्ट बना रहे थे, और उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। एक हमारे पास सॉर्टेड एरे बन जाती थी जो कि सब लिस्ट थी, और एक हमारे पास जो अनसॉर्टेड एरे थी जो कि हमारे पास अपर अपर एरे जिसको हम कहते हैं, राइट एंड साइड एरे जिसको हम कह रहे थे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, इनिशियली द सॉर्टेड पार्ट इज एम्प्टी एंड द अनसॉर्टेड पार्ट इज द एंटायर लिस्ट। ऑब्वियसली यही होता है शुरू में आपके पास, कि सॉर्टेड लिस्ट जो है वो आपके पास एम्प्टी होती है, उसमें आप ऐड करते हैं। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज सिलेक्टेड फ्रॉम द अनसॉर्टेड एरे एंड स्वैप विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। तो जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कह रहा है कि वो उसको पिक करता है पूरी है आपकी अनसॉर्टेड एरे के अंदर से, और उसको क्या करता है कि कंपेयर करता है सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के साथ। लेफ्ट मोस्ट वो आपको इसलिए कह रहा है क्योंकि वो ग्राफिकल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि सबसे इनिशियल जो आपके एरे के अंदर जो सबसे पहली वैल्यू है, इंडेक्स सबसे लोअर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है उसको कंपेयर करता है आपके पास, उस सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, एंड दैट एलिमेंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सॉर्टेड एरे। वो जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड एरे का पार्ट बन जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज मूविंग अनसॉर्टेड एरे बाउंड्री बाय वन एलिमेंट टू द राइट। यानी कि इसमें जैसे वो ग्राफिकली आपको समझा रहा है कि राइट साइड, राइट ऑर्डर, राइट साइड के ऊपर आपका एरे जो है वो अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो वहां से वो तब तक इस प्रोसेस को रन करता रहेगा जब तक कि आपका लेफ्ट राइट मोस्ट वैल्यू जो है उस वक्त तक जाके आप जो है उसको वो नहीं कर लेते, क्या कहते हैं, सॉर्ट नहीं कर देते। ठीक है, उसके बाद दिस एल्गोरिथम नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट एज इट्स एवरेज एंड वर्स्ट केस कंप्लीशन कॉम्प्लेक्सिटीज आर ऑफ बिग ओ एन स्क्वायर वेयर एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स। तो अब ये कह रहा है कि ये एल्गोरिथम जो है ना वो ही बात है, ये तीसरा एल्गोरिथम हमने पढ़ा है सॉर्टिंग का, तीसरे के एल्गोरिथम के अंदर हमने ये चीज पढ़ी है कि दीज आर नॉट सुटेबल फॉर बिग डाटा सेट। ठीक है, अगर लार्ज डाटा सेट होगा तो ये तीनों के तीनों उसमें जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से काम करेंगे और इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें और इनको हम यूज ना करें। अच्छा, हम यहाँ पर थे सिलेक्शन सॉर्ट। हमारे पास क्या है, अभी हमने इसकी एनिमेशन देखी है, तो इसमें ये हमारे पास ये बता रहा है कि अब हम देखते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग डिपिक्टेड एरे अच्छा, हमारे पास
अच्छा हमारे पास यहाँ पे था, अब हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग डिपिक्टेड एरे एज एन एग्जाम्पल। कि हमने एज ए एग्जाम्पल हमने एक ही एरे ली हुई है, इसी को हम बार बार यूटिलाइज कर रहे हैं। और फॉर द फर्स्ट पोजिशन इन द सॉर्टेड लिस्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक एरे है और एरे के अंदर क्या बता रहा है हमें, चला गया, ये हमारे पास एरे है फॉर द फर्स्ट पोजिशन इन द सॉर्टेड लिस्ट द होल लिस्ट इज स्कैन्ड। सबसे पहले वो क्या करेगा, जैसे ऊपर हमने देखा था उसमें एनिमेशन के अंदर के पहले के वो पूरी की पूरी लिस्ट को स्कैन करेगा। द फर्स्ट पोजिशन वेयर 14 इज सॉर्टेड प्रेजेंटली वी सर्च द होल लिस्ट एंड फाइंड दैट 10 इज द लोएस्ट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पूरी की पूरी लिस्ट को स्कैन करेगा, पूरी पूरी लिस्ट स्कैन करी और एरे को स्कैन करने के बाद उसने फाइंड किया कि सबसे जो लोएस्ट एलिमेंट है हमारे पास वो कौन सा वाला है। तो सबसे जो लोएस्ट एलिमेंट है वो क्या फाइंड किया उसने, 10 है। ओके, सो वी रिप्लेस 14 विद 10 आफ्टर वन इटरेशन 10। तो हम सबसे पहला एलिमेंट जो है ना वो हम क्या करेंगे, 10 के साथ रिप्लेस कर देंगे, विच हैपन टू बी द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट अपेयर इन द फर्स्ट पोजिशन ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। तो क्या करेगा, सबसे पहले जो एलिमेंट है उसके साथ उसको उसने कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद क्या किया, उसको सबसे पहले वाली एलिमेंट के ऊपर उसको रिप्लेस कर दिया, इसको 10 को, सबसे लोएस्ट वैल्यू को। उसके बाद फॉर द सेकंड पोजीशन वेयर 33 इज रिजाइडिंग वी स्टार्ट स्कैनिंग द रेस्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, इसने क्या किया, स्वैप कर दिया 10 को 14 से, पहले वाले एलिमेंट को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 10 के साथ, यानी कि 10 वाली पोजीशन के ऊपर 14 आ गया और 14 की जगह पे 10 आ गया। अब वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट फेज में क्या करेगा, सो वी रिप्लेस 14 विद 10 आफ्टर वन इटरेशन 10 व्हिच हैपेंड टू बी मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट अपेयर इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। तो ये हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट बन गई है। वो कौन सी वाली सॉर्टेड लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास फिलहाल सिर्फ एक ही आइटम है और वो क्या है, 10 है। अभी तक हमने इसका स्टार्ट किया है तो अभी तक हमारे पास सिर्फ 10 है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फॉर द सेकंड पोजीशन वेयर 33, अब हमारे पास सेकंड पोजीशन के लिए हमारे पास क्या है, 33 इज रिजाइडिंग वी स्टार्ट स्कैनिंग द रेस्ट ऑफ द लिस्ट इन अ लीनियर मैनर। लीनियर मैनर क्या मतलब, लीनियरली उसको पूरी की पूरी को स्कैन करते जाएंगे। कहां से आप स्कैन करना शुरू करेंगे, 33 से, 10 तो हमारे पास ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है। वी फाइंड दैट 14 इज द सेकंड लोएस्ट वैल्यू इन द लिस्ट एंड इट शुड अपीयर एट द सेकंड प्लेस, वी स्वैप दीज वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे, 33 के साथ 14 को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 33 की जगह पे क्या होगा, इसको पहले कंपेयर करेंगे 14 को और 33 को, तो ऑब्वियसली 33 बड़ा है तो वो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा। आफ्टर टू इटरेशन यहाँ पे कहाँ गया, आफ्टर टू इटरेशंस टू लीस्ट वैल्यूज आर पोजिशन एट द बिगिनिंग इन अ सॉर्टेड मैनर। तो देखें, दो इटरेशन के बाद क्या हुआ कि जो दो सबसे छोटी वैल्यूज हैं वो क्या हुआ, आपके स्टार्ट पे आ गई। द सेम प्रोसेस इज अप्लाइड टू द रेस्ट ऑफ द आइटम इन द एरे। अब ये पूरे का पूरे हम जो यही वाला प्रोसेस है ये कहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे एरे के ऊपर हम अप्लाई करेंगे। जब हम ये पूरे के पूरे एरे के ऊपर अप्लाई करेंगे यही वाला प्रोसीजर, तो हम इससे क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को हम आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू, इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, देखें ये आप सारे वाले दिस, अब ये क्या कर रहा है, ये इसकी पिक्टोरियल डिपिक्शन है ऑफ द इंटायर सॉर्टिंग प्रोसेस। देखें आप 14 तक तो हम कर चुके थे, अगला वाले 33 के बाद उसने देखा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, 19, 19 को उसने 27 के साथ स्वैप कर दिया, 27 यहाँ आ गया। फिर उससे नेक्स्ट वैल्यू क्या, 33 को क्या किया उसने, देखा कि 33 इसने पिक कर लिया और देखा कि बकाया जो एरे है हमारे पास अनसॉर्टेड एरे, उसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट जो हमने उसके अंदर देखा वो कौन सा था, 27। तो 27 को क्या किया उसने, 33 के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट उसने पिक किया एलिमेंट 35 जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा बचा हुआ था, 35 को हमने क्या किया, पूरे के पूरे एरे के में देखा कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट वैल्यू, तो वो कौन सी, 33 को हमने 35 के साथ रिप्लेस कर दिया। फिर हमने इसी तरह से इसके अंदर देखा कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी थी, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, 35, 42 और 44। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ लेट अस लर्न सम प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। एल्गोरिथम में क्या है हमारे पास,
सेट मिनिमम टू लोकेशन जीरो। सबसे पहले जो हमारी मिनिमम वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, लोकेशन को जीरो लोकेशन के ऊपर सेट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटा एलिमेंट लिस्ट के अंदर फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर किया, ऊपर हमने सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड किया एरे के अंदर, तो हमें कौन सा वाला मिला, वो था 10। स्वैप विद वैल्यू एट लोकेशन मिन। मिनिमम इस वक्त हमारे पास जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो जीरो इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ हम इस पूरे अनसॉर्टेड एरे के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको स्वैप कर देंगे। इसके साथ मिनिमम के साथ अब हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे मिनिमम टू 0.2 नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस मिनिमम को इंक्रीमेंट करेंगे ताकि उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट को हम मिनिमम सेट सेलेक्ट कर सके। ठीक है, तो वो जाहिर सी बात है जो मिनिमम को इंक्रीमेंट करेंगे तो मिनिमम हमारा कौन सा वाला होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा। यानी कि जैसे वो सबसे पहला एलिमेंट तो 10 था, 10 के बाद वाले एलिमेंट पर चला जाएगा। रिपीट अंटिल लिस्ट इज सॉर्टेड, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी लिस्ट जो है वो सॉर्ट ना हो जाए। चलिए हम सूडो कोड देख लेते हैं इसका, इसको मैं थोड़ा पेज पे ले आऊं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास है सिलेक्शन सॉर्ट का सूडो कोड। लिस्ट है हमारे पास, एक लिस्ट क्या है हमारे पास, एरे ऑफ आइटम्स। लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या है, लिस्ट क्या है हमारे पास, बेसिकली जो आइटम्स है एरे के अंदर। एन क्या है हमारे पास, साइज ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट के एक लिस्ट हमने बनाई, लिस्ट के नाम से एक एरे बनाया आइटम्स का, और एन नंबर ऑफ एन क्या है हमारे, एन क्या है नंबर ऑफ, सॉरी साइज ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का जितना भी साइज है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू एन माइनस 1। फोर का लूप चलेगा कब तक, आई को हम सिलेक्ट करेंगे 1। ठीक है, और हम जो हमारा एरे स्टार्ट होगा वो 1 से होगा, और कहां तक चलेगा, एन माइनस 1 यानी कि जो साइज ऑफ लिस्ट है उसके माइनस 1 तक। तो माइनस 1 पे क्या होता है, इंडेक्स वैल्यू आ जाती है हमारी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट करंट एलिमेंट एज मिनिमम। तो हमारे पास जो करंट एलिमेंट है उसको मिनिमम सेट कर रहा है और 1 है हमारे पास, तो मिन इज इक्वल टू आई। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम को हम आई सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेट करंट एलिमेंट एज मिनिमम, तो मिन इज इक्वल टू आई। तो आई के अंदर जो भी वैल्यू, आई के इस वक्त 1 है, तो मिनिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चेक द एलिमेंट टू बी मिनिमम। ठीक है, फॉर जे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एलिमेंट है वो चेक करेंगे। फॉर जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 टू एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जे के अंदर क्या है हमारे पास, आई प्लस 1, आई में क्या हमारे पास 1, 1 प्लस 1। सबसे पहले हमने एक मिनिमम वैल्यू ली और हमने क्या किया, आई प्लस 1 टू एन। इफ लिस्ट जे इज ग्रेटर देन लिस्ट मिन, देन मिन इज इक्वल टू जे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक जे वेरिएबल बनाया हमने और आई प्लस 1, आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 1 पड़ा हुआ, 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। अच्छा, ये वाला आई जो है ना, ये इसके अंदर ही खत्म हो जाएगा, सॉरी ये इनर लूप है इसका, तो इनर लूप है तो ये आई 1 है ये इसका इनर लूप है और ये एन तक जाएगा। जे के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है और लिस्ट मिनिमम, मिनिमम पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, अगर हम ऊपर आए अपने एरे में तो सबसे पहले हमारे पास जो मिन वैल्यू थी, मिन पे क्या पड़ा हुआ है, 14। और इफ लिस्ट जे पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, ये एक 4 का लूप चलाएगा एन तक, और जे जे यहां पे 1 होना चाहिए, पहली वैल्यू होनी चाहिए। तो जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 टू एन तक जा रहा है, तो जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर ये कह रहा है कि लिस्ट जे, जे के अंदर 2 आ रहा है, तो 2 के ऊपर तो आपके पास 0, 1, 2, 2 पे तो 14 नहीं आ रहा, 2
टू पे तो आपके पास 27 आ रहा है, 33 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि ये अगर मैं इसकी बात करता हूँ 33, अगर ये कह रहा है कि ये बड़ी है वैल्यू, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो क्या करो मिनिमम के अंदर जे की वैल्यू सेट कर दो, ठीक है, यानी कि ये मिन के अंदर जे की वैल्यू सेट कर दो। तो जे क्या है इस वक्त, यहां पे जे आपका 2 है, तो मिन को क्या कर दो 2 कर दो, और मिन यहां पे क्या है 1, यहाँ पे हमने इसको 1 असाइन कर दिया था। अब हमारे पास मिन की वैल्यू कितनी हो गई है 2। कैसे हुई मिन की वैल्यू 2? देखिए अब हमने ऊपर जो एल्गोरिथम पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि अब जब हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी, वो सबसे पहली वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब जब हम उसको उसके बाद हम पूरे उसके अंदर हम अपने अनसॉर्टेड एरे के अंदर सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे, मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो हमारा मिनिमम है उसको हम सेट कर देंगे उससे नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर। तो हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, हम ये हमारे पास लिस्ट जे के ऊपर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 33, और लिस्ट मिनिमम पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 14। अभी तो कह रहा है कि मिनिमम को अगर, तो ये इफ इफ लिस्ट जे 33 बड़ी है लिस्ट 14 से, ठीक है, तो क्या करो मिनिमम को 2 सेट कर दो। तो हमने क्या किया, मिनिमम को 2 सेट कर दिया। अच्छा ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे ये फॉल्स हो रही है, 2 नहीं हो रही, क्योंकि ये 14 जो है वो छोटा है और 33 जो है वो बड़ा है, तो क्या होगा, ये हमारे पास मिनिमम 2 पे सेट नहीं होगा। स्वैप द मिनिमम एलिमेंट विद द करंट एलिमेंट इफ, ये वाली यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, फिर ये वापस आ जाएगा यहाँ पे इनर लूप में, क्या कर क्या रहा है ये। उसके बाद देखते हैं इसको भी, इफ इंडेक्स मिनिमम इज नॉट इक्वल टू आई, मिनिमम इंडेक्स नॉट इक्वल टू आई, देन स्वैप लिस्ट मिनिमम एंड लिस्ट आई। तो अब ये स्वैप का फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा लिस्ट मिनिमम, मिनिमम में क्या है हमारे पास 1, और आई पे फिलहाल हमारे पास 1 है। ये कह रहा है कि अगर इंडेक्स मिनिमम इक्वल नहीं है आई के, इज नॉट इक्वल टू आई, यानी कि मिनिमम इंडेक्स कितना है इस वक्त हमारे पास 0, और आई कितना है, आई पे भी हमारे पास टाइम 1 पे है, सॉरी 1 है। तो ये क्या करेगा, स्वैप कर दो लिस्ट मिनिमम, यानी कि जो हमारे पास 1 वैल्यू है, एंड लिस्ट आई जो 1 वैल्यू है, ठीक है, इसको आपस में क्या करो स्वैप कर दो। अगर हम ऊपर चल के देखें, ये वाली बात जो यहां पे इसने कही है अभी कि स्वैप कर दो लिस्ट मिनिमम को लिस्ट आई के साथ, जो भी उसकी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो आई वाली 1 वाली जो वैल्यू यहां पर, ये जो 1 वाली वैल्यू है, इसको क्या करो लिस्ट मिनिमम 1 के साथ स्वैप कर दो। ठीक है, तो ये कहां पर आएगा, ऊपर ये यहां पर। तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है 14, और जो लिस्ट आई के ऊपर हमें जो वैल्यू मिली है उसको क्या करो स्वैप कर दो उस वैल्यू के साथ, ठीक है।
तो ये इसका हम ऊपर इसका कोड है, हम कोड में देख लेते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि वेरीफाई नहीं हो रही, तो हम इसको रन करके देख लेंगे। इसको हम ये कोड इसका रन करके देख लेते हैं। इस कोड से हमें इसकी जो है ना काफी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि हमारे पास ये इंसर्शन सॉर्ट काम कैसे कर रहा है, सॉरी सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट था। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट था। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट के बाद मर्ज सॉर्ट।